जिले के कुमारिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लेबे समय से चिकित्सा व्यवस्था गड़बड़ाने को लेकर एक बार फिर ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की है। ग्रामीणों के मुताबिक यह अस्पताल पिछले लंबे समय से सिर्फ दो नर्सिंग स्टाफ के भरोसे ही चल रहा है, जिसके चलते इस अस्पताल की स्थिति गंभीर हो चुकी है और इसका खामियाजा इस क्षेत्र के ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीणों को साधारण बीमारियां होने पर भी इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। लंबे समय से अस्पताल की बेहतर व्यवस्थाओं के लिए तरस रहे क्षेत्र के ग्रामीण कई बार इस संदर्भ में कुवारिया तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर को ज्ञापन भेजकर लचर चिकित्सा व्यवस्था से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन हालात अब भी जस के तस बने हुए हैं। ग्रामीणों ने व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर पहले भी 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन 15 दिन से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी चिकित्सा की व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कोई सुधार अब तक नहीं हो पाया है। ग्रामीणों के मुताबिक उनका एक समूह हॉस्पिटल खुलने के तय समय के पर जांच करने पहुंचा तो पाया कि 9:35 हो जाने के बावजूद भी टीकाकरण कक्ष पर ताला लगा हुआ था और चिकित्सक के कक्ष में भी कोई मौजूद नहीं था। इस संबंध में राजसमंद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रकाश चंद शर्मा ने बताया कि कुमारिया पीएचसी के चिकित्सक डॉक्टर नुरेश खान किसी शादी समारोह में शिरकत करने गए हैं, जिसके बाद हमने वनाई से एक चिकित्सक को भेजा था, लेकिन उनके परिवार की परेशानी के कारण वे स्वास्थ्य केंद्र में सेवाएं देने नहीं पहुंच सके। डॉक्टर साहब के शादी के आने के बाद ही चिकित्सा व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू हो सकेगी। आज हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद आज हम जब हॉस्पिटल में आए हैं, व्यवस्थाएं जस की तस है, कोई सुधार नहीं है। यहाँ पर अभी आप स्वयं देखिए, कम से कम 50% लाइन में खड़े हैं और नर्सिंग स्टाफ उनका इलाज कर रहा है, जबकि वो ऑथोराइज नहीं है। इसके लिए डॉक्टर होना चाहिए, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। पिछले एक साल से इस प्रकार की लचर व्यवस्थाओं से यहाँ के ग्रामीण बहुत परेशान हैं। अभी हमने CMHO साहब से भी बात की तो उन्होंने भी बताया कि आगे से ऐसी व्यवस्था है। अगर इस प्रकार की व्यवस्था है तो क्या जनता को आपने मरने के लिए छोड़ रखा है? आप इसका जवाब मुझे कौन देगा, इस जनता को कौन देगा? 50 लोग यहाँ खड़े हैं, बुजुर्ग महिलाएं खड़ी है, बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हैं, छोटे बच्चे खड़े हैं, महिलाएं खड़ी है। आखिर अब महिलाओं को जो प्रॉब्लम होती है वो क्या उसका निराकरण नर्सिंग स्टाफ के पास है क्या? अब इनके पास दो विकल्प हैं, या तो इस प्रकार की व्यवस्था के साथ जिए या फिर 20 किलोमीटर दूर हार के जाएं। हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, फिर भी सरकार और प्रशासन ने अभी तक कुछ नहीं किया है। इसको लेकर हमें रोष है और अब हम सब मिलके बहुत कठोर निर्णय लेंगे और इस व्यवस्था को हम जगाएंगे। अगली क्या रणनीति रहेगी आपकी? अब अगर यह व्यवस्था एक दिन और, आज का समय और है, अगर नहीं सुधरती है तो हम मार्केट बंद करेंगे, बाजार बंद रहेगा और हम सब लोग यहाँ पर धरना देंगे और हमारी मांग को सरकार तक और पहुँचाएंगे। धन्यवाद।